अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हफ्ते की देर रात रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी एक इलाके में भीड़ काबू से बाहर हो गई। खबर रसा एजेंसी NIA के मुताबिक मौके पर तैनात पुलिस फोर्स को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। हुजूम में ज़्यादातर नौजवान थे, ताहम किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। वहीं नए साल के पेश नज़र न सिर्फ कर्नाटक बल्कि मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, शिमला, गाज़ियाबाद, लखनऊ और पूरे मुल्क के कई शहरों समेत दीगर कई मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में साल नौ की तकरीबात के दौरान हुजूम पर काबू पाने के लिए तकरीबन 18,000 जवानों को तैनात किया गया था। मुंबई में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 10,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। मुंबई पुलिस ने नए साल की तकरीबात के मौके पर गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, मेरन ड्राइव और गुड़गांव चौपाटी जैसे मशहूर मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। वाज़ह रहे कि पूरे मुल्क में नए साल के मौके पर लोगों में जोश व खरोश पाया गया। कहीं मौसीकी के धुन पर तो कहीं गुब्बारे उड़ाकर नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल को लेकर दिल्ली के लोगों में काफ़ी जोश व खरोश था। इस दौरान कांट पैलेस के अनर सर्किल में लोगों ने ज़बरदस्त जश्न मनाया। वहीं नए साल के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद गोवा पहुंची थी, जिसकी वजह से यहां के होटलों में भीड़ लग गई। महाराष्ट्र के पुणे में लोगों ने गुब्बारे उड़ाए और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ अल्लाह हाफिज। तस्नीम टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद।